आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असताना विहंगम योग सेवा सत्संग आणि राष्ट्रीय एकता मंचच्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्याचा अमृत देण्यासाठी पुढे येत असून त्यांच्या कार्य प्रशंसनीय आहे असे प्रतिपादन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वृक्षारोपण कार्यक्रमावेळी केलं. तसेच यावेळी खारघर सेक्टर 35 येथे झाडे लावण्यात आली. संस्थेच्या वतीने प्रत्येक सदस्याला एक झाड देऊन त्या झाडाच्या संगोपनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. येणाऱ्या आगामी काळात ऑक्सिजनचा तुटवडा भासू नये या उद्देशाने विहंगम योग सेवा सत्संग आणि राष्ट्रीय एकता मंचच्या माध्यमातून देशभर 1,00,000 झाडे लावण्याचा संकल्प केला आहे. यावेळी खारघर सेक्टर 35 येथे हा उपक्रम आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत राबविण्यात आला. यावेळी विहंगम योग सेवा सत्संगचे अध्यक्ष नित्यानंद सिन्हा, आर के सिन्हा, यावेळी माजी नगरसेवक हरेश केणी, पापा पटेल, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद केणी, युवा नेते विनोद घरत, शैलेंद्र त्रिपाठी, जितेंद्र तिवारी, भाजप अल्पसंख्याक मोर्चा सचिव मनसूर पटेल, निर्दोष केणी, महेश पाटील, श्रीनाथ पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. हम सभी लोग आज सृष्टि से लेना जानते हैं, सृष्टि को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है. और ऐसे में हमने कई बार अगले जनरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में छोड़ी है. ये ना हो जाए कि हम ऑक्सीजन भी उनको गैस सिलेंडर के रूप में दे दें. कोविड के समय में हमने ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है और उनके बिना हमारी ऑक्सीजन के बिना हमारी ज़िंदगी कितनी अधूरी है ये हमने बहुत नज़दीक से देखा है. उसके लिए बहुत कुछ खोया है. नहीं चाहते हम कि आने वाले समय में ऐसी कोई आपदा आए. नहीं चाहते हम कि आने वाले समय में कोई महामारी आए और हम उसके लिए तैयार ना रहे. इस आपदा के समय में, इस महामारी के समय में एक दूसरे की मदद हम में से कई सारे लोगों ने की. विहंगम योग के माध्यम से आज 100 से ज़्यादा देशों में आज ये परिवार आपका फैला है और कई सारे परिवारों को जीने की राह आपने इसके पहले दिखाई है. और मैं समझता हूँ कि जब आदमी को सांस लेने की तकलीफ़ थी उस वक्त उसको अपने शरीर में ये जो सारी रचना है, शरीर की रचना, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी जानकारी, इसकी आवश्यकता उस वक्त महसूस हुई. पर उसके कई समय पहले से आपके माध्यम से ये लोगों तक, ये हमारे देश की ये जो विरासत है, धरोहर है, ये पहुंचाने का काम आपके माध्यम से न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ है. मैं देख रहा हूँ खारघर से लेके पनवेल में हमारी संतोष दीदी यहाँ पर है, न्यू पनवेल में फ्री हम अपना समय देते हुए उन्होंने ऐसे कोशिश की. आप में से कई सारे साथी इसी तरीके का अपना सहयोग अपने अपने शहर को दे रहे हैं. खारघर में सेक्टर 10 से लेके यहाँ अभी 35 में हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे जगह पर रोज़ सुबह जो गार्डन मिला उस गार्डन में किसी भी तरीके का शुल्क ना लेते हुए आप में से और अपने जैसे कई सारे अन्य संस्थाओं ने योग का प्रशिक्षण मुफ्त में लोगों को दिया हुआ है. मैं समझता हूँ ये हमारे देश की ताकत है. जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये हमारे देश की संस्कृति ही है कि जिसकी पहचान देते हुए हमने अपनी थाली की आधी रोटी जब मुश्किल समय था लोगों को दी है. हमारी वैक्सीन जब ज़रूरत पड़ी लोगों को तो उस वक्त हमने उनको दी है. और ये हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय हमने विश्व को दिया हुआ है. ऐसी भारतीय संस्कृति के ऊपर हमें बहुत बहुत गर्व है. हालांकि हम आज़ादी के अमृत पर्व मना रहे हैं, इस अमृत पर्व में लोगों को स्वास्थ्य का अमृत देने के लिए विहंगम योग आगे आ रहा है, हमारे खारघर एकता मंच आगे आ रहा है. इसी तरीके से सारी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज इस उपलक्ष में जब आपने पेड़ लगाने की सोची तो शायद बारिश भी इंतज़ार कर रही है कब पेड़ लगाएंगे. और हम लोग यहाँ पर ये अमृत धारा बरसाए और इन सृष्टि को जीवित करने का आपका जो प्रयास है इसमें अपना सहभाग यहाँ पर अर्जित करें. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.